मुस्लिम लीग नून के सेनेटर निहाल हाशमी ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं वजीर आजम के बेटे का हिसाब लेने वालों तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे, आज हाजिर सर्विस हो कल रिटायर हो जाओगे। वजीर आजम की वजाहत तलब, मरियम औरंगजेब कहती है कि उनकी अपनी जाती राय है। निहाल हाशमी के बयान पर तहरीक इंसाफ का सख्त रद्देअमल। नईमुल हक कहते हैं नून लीग इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी पर उतर आई, निहाल को उम्र कैद हो जानी चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं जैसे जैसे केस आगे जा रहा है उनकी चीखें निकलती जा रही हैं। शेख रशीद बोले शेर पिंजरे में आने वाला है। हुकूमत का पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन का बाहर इजलास, असेंबली में निहाल हाशमी के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं हमारी जबानों पर ताले डाल दिए गए जिसके बाइस अवामी असेंबली लगाने पर मजबूर हैं। इमरान खान कारकर्दगी के मैदान में नवाज शरीफ से हार चुके हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग तलाल चौधरी कहते हैं हनीफ अब्बासी अपने खिलाफ केस में सुरखरू होंगे। हनीफ अब्बासी बोले आज पता चला है खान साहब दो चादरों का हिसाब क्या होता है। वकील ने तस्लीम किया है कि इमरान के पास 5 ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं है। पनामा केस टीआईटी का इजलास, चेयरमैन एससीसीपी जफर हजाजी को तलब कर लिया गया, रवा हफ्ते पेश होंगे। वजीर आजम के दोनों साहिबजादे आज पेश नहीं हुए, हसन नवाज को आज पेश होने के लिए तलब किया गया था, 2 दिन की मोहलत मांग ली। आजम नवाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात, कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल, भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के मामले पर मुशावरत। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान का तौहीन अदालत पर जवाब मुस्तरद, जमा कराए गए जवाब में दोबारा तब्दीली करने का एक मौका दे दिया। इमरान खान 7 जून को दोबारा अपना जवाब जमा कराएं, इलेक्शन कमीशन की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स कम होकर 50213 पॉइंट्स पर आ गया। कराची में लोड शेडिंग का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, शहरी फिर सड़कों पर निकल आए। लसबेला चौक के करीब बिजली की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज, नारेबाजी, रुकावटें लगाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4600 मेगावाट से तजावुज कर गया। पेशावर में यंग डॉक्टर्स के अपने मुतालबात के लिए हड़ताल, नौजवान मसीहाओं का काम से इनकार, यंग डॉक्टर्स ने वार्ड्स का चक्कर लगाया। तमाम डॉक्टरों और दर्जा चहारम के मुलाजमीन को अपने साथ एहतजाज में शामिल कर लिया, एहतजाज की कॉल देने वाले 2 डॉक्टर्स गिरफ्तार। अफगान दारुल हुकूमत काबुल के सिफारती इलाके में खुदकुश धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई, हलाकतों की तादाद 80 हो गई, 350 से ज्यादा जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वजीर आजम और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दहशतगर्द हमले की शदीद मुजम्मत, दफ्तर खारजा के मुताबिक कुछ पाकिस्तानी वाकई में मामूली जख्मी हुए। मैनचेस्टर की मसाजिद के आईमा का खुदकुश हमला, और सलमान अबैदी की नमाज जनाजा अदा करने से इनकार, मसाजिद इंतजामिया ने तदफीन भी शहर में नहीं होने दी। म्यूजिक कॉन्सर्ट पर खुदकुश धमाके में 22 अफराद हलाक हुए थे। शाहकार जिसका था क्रिकेट दीवानों को शिद्दत से इंतजार, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का रंगारंग मेला कल से सजेगा। इवेंट में टॉप 8 टीमें सलाहितों के जौहर दिखाएंगी। इफ्तिताही मुकाबले में बंगाल टाइगर्स को इंग्लैंड का कड़ा चैलेंज दरपेश, ग्रीन शर्ट्स 4 जून से भारत के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेंगे।